राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये सिंहासन आपको कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है, आप सोच भी नहीं सकती ये इतने कम चीज़ों में, इतने कम खर्चे में बनाया गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम एक बोतल लेंगे, फिर बोतल को कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर आप ग्लूगन का यूज़ कर सकते हैं, साड़ी का कोई सा भी पल्लू का नीचे तरफ से आप काट के पीस अब उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ अब ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही साड़ी का प्लेट बनाते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस में आप प्लेट भी बना सकते हैं। अगर आपको वो मेथड यूज़ नहीं होता, आप बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मेरे पास ग्लूगन नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूँ, आप वायर भी यूज़ कर सकते हैं उसको टाइट करने के लिए। फिर आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वायर देके ऐसे वायर भी दे सकते हैं आप। मैंने अभी इसे थ्रेड में बांध दिया है, सुई धागा जैसे सिलते हैं वैसे ही सिलना ही तो है और क्या। वैसे ही जैसे सिलने के बाद फिर ऐसे किसी एक आदमी की सहायता की वजह से, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं आप, बांध देंगे उसको। मैंने ऑफ कैमरा उसको बांध दिया है। अभी मैं एक तो काली चुन्नी का था, एक तो चुन्नी का पीस पड़ा था मेरे पास, मैंने उसका यूज़ किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू सबसे बेस्ट है इसके लिए। अब मार्केट में ऐसे स्टोन दिखने वाला एक तो प्लेट भी आता है जिससे लेस भी बोलते हैं इसको, तो बड़े बड़े पीस में भी आता है, मैंने उसको दो स्ट्रिप में कट करके यूज़ किया है। अब हमने जो ये वाला बनाया था उसमें एक हैवी चीज़ रख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पत्थर रखा है। कोई सा भी आप वायर ले सकते हैं, आप पुराना हेयर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वायर का यूज़ किया है ब्लैक कलर का, मैंने नाप लिया था पहले से ही। अब अपने जैसे आपको पसंद वैसे आप नाप लीजिए, जितना अच्छा सिंहासन आपको चाहिए, जैसे डिज़ाइन का चाहिए, गोल चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए, जैसे आपको चाहिए वैसे कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड ले रहा हूँ और कुछ कलर पेपर ले रहा हूँ, उसे मैंने पेस्ट कर लिया है ताकि वहाँ पे हम अपने मूर्ति बिठा सके गोपाल जी को। फिर मैं ग्लूगन से उसको सिक्योर कर लूँगा। अब उसमें फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ दोस्तों, साड़ी को जो प्लेट हम बनाते समय ग्लूगन का प्री हीट बहुत कम कीजिएगा, ताकि वरना प्लास्टिक जलने का चांस रहता है। और वही नेट हम वी के आकार से हम लोग कर लेंगे, वी के आकार जैसे कि थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा कैसे था, वैसे ही शेप में कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्लूगन में यूज़ कर रहा हूँ, आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक्विक की करेंगे तो और भी अच्छा है। मैं यहाँ पे साइड में भी ग्लू ही चिपका दूंगा ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, मैंने चिपका लिया है। अब जैसे साड़ी का प्लेट बनाते हैं वैसे ही अब इसका भी प्लेट बनाना है और सुई धागा से सिक्योर कर लेना है बस इसको। तो ना आप ऐसे गोल गोल करके भी फोल्ड कर सकते हैं अगर प्लेट बनाना नहीं आता तो, मैंने सिक्योर कर लिया है। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मैंने वायर में पतला सा एक ठो वायर में बॉल्स को, गोल्डन बॉल्स को डाल दिया है। अब मैं उसको कट कर लूंगा, फिर यहाँ पे साइड में लगाऊंगा। अब ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू थोड़ा सूखने में टाइम लगता है बट ग्लू गन भी बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे साइड में चिपका दूंगा ताकि जो भी प्लेट्स का लाइन हो वो ना दिखे, इसलिए हमने जो सुविधा का मैं चिपकाया था वैसे ही। अब मैं यहाँ पे पुरानी साड़ी का गोटा जो आता है उसको लगा दूंगा, पुराना वो टूट गया था इसलिए मैंने उसको लगा दिया है। अब ये कुछ ऐसे दिखेगा, कितना सुंदर हमारा गोपाल जी का सिंहासन तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ।